ये देखिए, ये मेरे बुटीक का सूट है, यहीं से परचेज हुआ है और इस पर मैंने ये डिज़ाइन बनवाई है, क्योंकि ये सिर्फ एक पट्टी थी तो इस पर मैंने ये डिज़ाइन बनवाई है। ये यहाँ नीचे ये वर्क है और ये स्लीव्स मैंने इसकी बेली स्लीव्स करवाई है, बेल स्लीव्स करवाई है और इसमें मैंने ये लेस लगवाई है। इसके बैक गले में भी कस्टमर की डिमांड थी तो मैंने बैक गले में भी इसमें लेस लगवाया है। 5 शेप का मैंने गला दिया है और ये डोरी लगवाई, क्योंकि 9 इंच का गला है तो इससे मैंने डोरी लगवाई है और ये लेस लगवाई है। और इसकी प्लाजो मैंने प्लेन रखी है, ये देखिए, ये 4 कली की प्लाजो मैंने बनवाई है इसमें। ये देखिए, ये 1, ये 2, 4 कली की प्लाजो है, 2 इधर और 2 इधर, क्योंकि काफी फ्लेयर चाहिए था प्लाजो में तो ये मैंने 4 कली की प्लाजो बनवाई है। और ये देखिए, ये पूरी टोटल लास्टिक रखा है मैंने, बेल्ट नहीं बनवाया है, लास्टिक और प्लाजो पूरी फ्लेयर वाली है। और एक ये भी है सूट, ये देखिए, ये भी मेरे बुटीक का ही कलेक्शन है। ये देखिए, इसमें फ्रंट नेक बना हुआ है तो मैंने इसमें कुछ नहीं करवाया है, मैंने बैक नेक में डिजाइनिंग करवाई है। ये देखिए, ये क्योंकि 9 इंच का गला था, विदाउट डिजाइन कुछ अच्छा नहीं गया और इसमें बहुत कुछ मैं कर नहीं चाहिए, क्योंकि काफी सोवा सिल्क सिंपल ये सूट है, डोला सिल्क का। तो ये देखिए, ये मैंने बैक डिजाइनिंग, ये बैक डिजाइनिंग है और इसकी स्लीव्स को मैंने स्लीव सिंपल रखा, बस ये लेस लगवाई, स्लीव्स में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन स्लीव थी। और ये सूट, ये नेक पे वर्क था और ये नीचे दामन पे है, दामन पे ये गोटा पट्टी लगी हुई थी। और इसका भी मैंने प्लाजो बनवाया है, ये भी 4 कली वाला प्लाजो बना है, क्योंकि 6 कली का हो नहीं पाता, 4 का बना है और ये नीचे मैंने ये लेस लगवाई है, ये पूरा लेस लगवाया जिससे ये थोड़ा सा फैंसी लुक दे। और मैंने बताया है कि मैंने ये केवल लास्टिक लगवाई है इसमें। और एक सूट ये है, ये इसमें मैंने शर्ट कॉलर बनवाई, ये बिल्कुल प्लेन कपड़ा, मतलब ये कुर्ते का कपड़ा था और ये इसमें पैंट थी ये वाली, तो इसमें मैंने प्लाजो बनवाई है, ये सिंपल प्लाजो बनवाई है, ये 18 इंच मोहरी की प्लाजो है, इसमें मैंने कुछ करवाया नहीं, कुछ सिंपल ही चाहिए था। और ये मैंने बेल्ट और लास्टिक लगवाया है इसमें, कस्टमर च्वाइस थी और ये पॉकेट तो होते ही है, मैं बनवाती हूँ हमेशा। और इसमें मियानी भी मैंने लगवा रखी है, मियानी भी मैं ज़रूर लगवाती हूँ, ये देखिए, ये मियानी भी लगी हुई है। और इसमें कस्टमर को शर्ट कॉलर चाहिए था, लाइनिंग लगी हुई है और ये कॉलर मैंने ये शर्ट बनवाई है, ये देखिए, ये बटन मैंने खुद से लगवाया है बुटीक से ही। और ये शर्ट कॉलर है, बाजू इसकी प्लेन रखी है, ये लाइनिंग लगवा दी क्योंकि ये थोड़ा चुभने वाला मटेरियल है तो मैंने इसमें लाइनिंग लगवा दी, बस हो गया। देखिए, ये भी एक सूट है, इसमें मैंने वी नेक बनवाई है, वी नेक में कॉलर लगवाया, फुल कॉलर चाहिए था कस्टमर को, ये देखिए, इसमें वर्क था पूरा, ऐसे इसमें कॉलर दी हुई थी लेकिन जो कॉलर दी रहती है उसको फिर से लगवाना पड़ता है। और बाजू ये प्लेन थी, इसमें मैंने ये पतली सी लेस लगवाई है। और बाकी तो बैक गला तो मतलब कॉलर है ही है। और इसका जो पैंट है, पैंट में भी बस मैंने कट करवाया है और 3 बटन लगवाई है, ये देखिए। ये मैंने लास्टिक और हाफ लास्टिक और हाफ बेल्ट लगवाया है। ये देखिए, ये भी मैंने एक डिज़ाइन बनवाई है, इसमें पैंट लाइनिंग वाली थी उससे मैंने ये सारी आस्तीन पे, गले पे और साइड के चाक पे सब में मैंने इसकी डिजाइनिंग करवाई है लेस के साथ। ये देखिए, ये गले में मैंने ये डिज़ाइन बनवाई है, लूप लगवाया है और ये साइड में जो चाक होता है उसमें भी मैंने पैंट के कपड़े की ये पट्टी लगवाई है, प्लस साथ में लेस की डिटेलिंग है, ये देखिए, दोनों चाक पे, इधर भी और इधर भी दोनों साइड मैंने यही करवाया है, ये देखिए, और ये इस साइड, ये देखिए, दोनों साइड मैंने इसकी ऐसे डिज़ाइनिंग करवाई है, ये देखिए। और ये पैंट है, पैंट पे भी मैंने, ये देखिए, पैंट मैंने, ये देखिए, कुर्ते की 2 पट्टी लगवाई है और 3 बटन लगवाया है। और इसमें जो है कट भी करवाया है, कस्टमर डिमांड थी कि मतलब उन्हें कट भी चाहिए था। और ये लास्टिक और डोरी 2 का मैंने, मतलब डोरी लगवाई है फ्रंट में और बैक में मैंने लास्टिक लगवाया है। तो ये देखिए, आपको कैसा लग रहा है। और एक देखिए कुर्ता, ये भी, ये रेड कलर का बंधेज का कुर्ता था, कुछ सिल्क टाइप का था, प्योर जो सिल्क नहीं था, क्योंकि इसमें मैंने लेस, रेड कलर की लेस लगा के डिजाइनिंग करवाई, क्योंकि इसका कुर्ता तो ये बंधेज रेड के साथ प्रिंट था और जो सलवार था वो बिल्कुल रेड था। इसमें मैंने अफगानी सलवार बनवाई है, अफगानी सलवार और कुर्ता, ये देखिए, कुर्ते से मैंने ये पट्टी लगवाई है सलवार के पैचे पे, और ये सलवार पूरा रेड था ही, प्रिंट सलवार में भी अस्तर लगा है और कुर्ते में भी अस्तर लगा है, ये देखिए। और उसके बाद ये देखिए, एक कुर्ता था प्लेन, इसमें मैंने फुल कॉलर मैंने बनवाया और ब्लैक कलर से इसमें मैंने डिज़ाइनिंग करवाई है, ये देखिए,
फुल कॉलर के साथ एंकर चलवाया है मैंने ब्लैक कलर का, और बटन लगवाया फ्रंट में। स्लीव्स में मैंने कप स्लीव्स करवाई है, और साथ में मतलब ये बटन लगवाई है, और ये पाइपिंग ब्लैक पाइपिंग देके मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करवाई है। दोनों स्लीव्स से मैंने यही करवाया है, ये देखिए। ये मटेरियल से बना है, ये मेरे पास मटेरियल था, ये मटेरियल प्योर जॉर्जेट है, और इस पर देखिए सेल्फ की वीविंग है, थोड़ी लाइट वीविंग है, लेकिन ये पूरे मटेरियल पे सेल्फ वीविंग थी। ये मेरे पास 5 मीटर मटेरियल था, तो इससे भी मैंने कली वाली प्लाजो और कुर्ता ही बनवाया है, क्योंकि ये इसका जो वर्क था ये ऐसे जा रहा था बेड़े में, तो इसको मैं खड़ा नहीं कटवा सकती, तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने बेड़े में ही कटवाया है, आड़े में कटा है ये ड्रेस पूरा, और इसमें लंबाई नहीं आ रही थी, तो लंबाई के मैंने क्या किया कि ये देखिए मैंने अलग से इसमें अटैच करवाया है ये कपड़ा, और इसको रानी कलर की पाइपिंग के साथ इसको इसकी लेंथ बढ़ाई है। और ये प्लाजो मैंने ये कली वाली ही बनवाई, इसमें भी 6 कली इस पैर में और 6 इस पैर में, और नीचे मैंने ये रानी कलर का ये मैंने पाइपिंग लगवाया है नीचे तक। और बाकी इसमें देखिए इसमें मैंने बाजू में आस्तीन नहीं लगवाई है, गला मैंने ये करवाया है स्वीट हार्ट नेक है, ये पाइपिंग से इसकी वो की है मैंने डिजाइनिंग की है, और ये इसमें बंधेज का दुपट्टा मैंने रखा है, ये देखिए ये ड्रेस मेरी ही है। तो ये देखिए आप देख के बताइए कि कैसा लग रहा है, और अगर आप चाहेंगे कि आपको ड्रेस बना के दिए तो आप मुझे कपड़ा कुरियर करेंगे तो मैं आपके एड्रेस से बनवा के उससे मैं फिर कुरियर कर दूंगी। थैंक यू।